गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अमरेंद्र कुमार साइंस टीचर हलवासिया विद्याविहार। टुडे स्टडी चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11 और इसका नाम क्या है, वर्क और एनर्जी। ठीक है, अब इस वर्क एंड एनर्जी के एनर्जी में हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है पावर। किसको एक्सप्लेन करेंगे, पावर को एक्सप्लेन करेंगे। अब इस पावर में देखिए, पावर हम कहते किसको हैं और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए हम सबसे पहले इस टर्म के बारे में जानें कि ये टर्म हमारा कैसे आता है, इसको हम कैसे बताएंगे। देखिए, टू स्टूडेंट्स हैं और उन दोनों स्टूडेंट्स का मास इक्वल है, यानी दोनों 40-40 केजी का है और उसको हम दौड़ने के लिए 100 मीटर की दौड़ में उसको पार्टिसिपेट कराते हैं। तो क्या देखते हैं कि एक को 10 सेकंड में कर लेता है, दूसरे को लगता है 20 सेकंड, यानी मास सेम है लेकिन दोनों का जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट होने का कारण क्या है, इसी से हम बता सकते हैं कि एक तो स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर होने के कारण से 10 सेकंड में कंप्लीट कर लिया, दूसरा कंपेरेटिवली वीकर है जिससे वो उसको टाइम ज्यादा टाइम लगा। तो इस तरह जो हम रेट ऑफ डूइंग वर्क है इसको फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए अनदर फिजिकल क्वांटिटी, और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं पावर। क्या बोलेंगे, पावर। अब इसी तरह से और भी आप देखिए, कोई व्हीकल्स है, दो व्हीकल्स आपको सेम मास के, एक आपको कम समय में कोई भी जो वर्क है उसको कंप्लीट कर लेता है, यानी उसको अगर 60 किलोमीटर जाना है तो कम समय में वो पूरा कर लेता है, दूसरा है उसको उसके कंपेरेटिवली मोर टाइम लगते हैं, मींस उसका जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है वो क्या हो गया, एक का फास्टर हो गया, दूसरा आपको स्लोअर हो गया। तो इस तरह से जो फास्टर, हाउ फास्ट, हाउ स्लो, इन सभी चीजों को हम निकालते हैं रेट से, और उस रेट को ही, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या कहते हैं, पावर। और इस पावर को डिफाइन करने के लिए हम बताएंगे द रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच वर्क इज डन, और अनदर हम कहेंगे द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। इसको हम क्या कहेंगे, पावर। अब पावर के लिए हमारा क्या आ गया, पावर इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, एक ये मेरा फॉर्मूला बन गया। फिर पावर के लिए हमने ये भी कहा है कि द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर। तो P इक्वल टू ई अपॉन में टी, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। पहला क्या हो गया, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, और ये P इक्वल टू ई अपॉन टी, ये दोनों आपको इससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं। अब अलग सा इससे ही हम निकालेंगे इसके अदर फार्मूले, अदर फार्मूला पावर का हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, W है, W हमारा क्या हो जाएगा, W को वर्क डन, अब इस वर्क डन के लिए W इक्वल टू F इंटू एस अपॉन में टी, क्या हो गया, F इंटू एस अपॉन टी, ये हमारा थर्ड फार्मूला बन गया।
और आप देखो इस एस ओपन टी, एस ओपन टी को क्या करना है, एस ओपन टी हमारा हो गया स्पीड, तो इसके लिए एफ और इनटू में बी, ये भी हमारा एक जनरल फार्मूला हो गया। नेक्स्ट आपको पावर को फाइंड आउट करने के लिए क्या देंगे, एम जी एच, एम जी एच अपॉन में पी इक्वल टू एम जी एच अपॉन में पी। अब इस तरह से हमारे पास ये चार पांच फार्मूले हो गए और इस फार्मूले के बेस पर हम डिफरेंट रेट को फाइंड आउट कर पाते हैं, एक पावर को फाइंड आउट कर पाते हैं, क्लियर। और इसी तरह से देखिए अब इसका हम ऐसा यूनिट, अब क्या करेंगे, मैंने यहां पर फाइव फार्मूले आपको दिए, फर्स्ट में क्या है पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, अगर आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है या पावर फाइंड करना है, दो आपको गिवन होंगे, थर्ड को फाइंड आउट करोगे, पी इक्वल टू ई अपॉन टी, एनर्जी दिया हुआ है, आप वैसे भी जानते हैं कि जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड इन योर बॉडी, एनर्जी कंज्यूम्ड इन योर बॉडी, के अंदर हम ई कर ई अपॉन में टी आ जाएगा, और इसको पी इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस अपॉन में टी आ गया, ठीक। एस अपॉन टी क्या होता है, स्पीड, तो इसको क्या निकालेंगे, एफ इंटू में बी आ जाएगा, और आपका एम जी एच वर्कडन आपका क्या है, एम जी एच, तो इसके लिए क्या करोगे, पी इक्वल टू एम जी एच अपॉन में टी। इससे भी आप डिफरेंट फार्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं, पावर को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, तो और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, टाइम दे रखा है, तो आप उससे पावर निकाल सकते हैं, कोई फोर्स दे रखा है और वेलोसिटी दे रखे हैं, तो उससे आप पावर को निकाल सकते हैं, इसी तरह से फोर्स दे रखा है, डिस्टेंस है और टाइम दे रखा है, तो उससे आप क्या निकालोगे, पावर इक्वल टू एफ इंटू एस अपॉन टी से निकाल सकते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट टर्म, एसआई यूनिट्स को कैसे हम बनाएंगे, देखिए एसआई यूनिट्स को निकालने के लिए पावर हमारा क्या है, डब्ल्यू अपॉन में टी, डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू हो गया वर्क डन, तो इसका एसआई यूनिट आप निकालोगे तो क्या बताओगे, पी इक्वल टू जूल अपॉन में सेकेंड, क्या आ गया, जूल अपॉन सेकेंड, और इस जूल अपॉन सेकेंड को ही हम इस तरह भी लिखते हैं, जूल और सेकेंड का इनवर्स, और ये है कितना, दैट इज इक्वल टू द वन वॉट, किसके इक्वल, वन वॉट, वन वॉट इक्वल टू वन जूल अपॉन में वन सेकेंड, वन जूल अपॉन में वन सेकेंड आ गया, ये हमारा आ गया पावर। अब वन वॉट को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, वन जूल एनर्जी कंज्यूम इन वन सेकेंड, वन जूल एनर्जी कंज्यूम इन ए वन सेकेंड, देन द पावर ऑफ एप्लायंस इज वन वॉट। अब आप घर में देखिए डिफरेंट एप्लायंस है और उसके लिए आपको दिया हुआ होता है कि ये 60 वॉट का है, ये 100 वॉट का है, 60 वॉट का है इसका मतलब क्या हो गया, 60 जूल एनर्जी कंज्यूम इन ए वन सेकेंड, या आपको ये गिवन है कि 100 वॉट है, 100 वॉट का मतलब क्या हो गया, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए वन सेकेंड, तो वो हमारा हो जाएगा दैट इज पावर 100 वॉट या 60 वॉट। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे पावर के एसआई यूनिट्स को। अब एसआई यूनिट के साथ साथ हम बिगर यूनिट्स को निकालें, बिगर यूनिट्स हमारे क्या है, तो किलो वॉट होता है, के डब्ल्यू, के डब्ल्यू कितना हो गया, वन किलो वॉट दैट इज इक्वल टू द 1000 वॉट, ये 1000 वॉट इक्वल। अगर हमारा जो एप्लीएंस है जिनको हम प्रैक्टिकली कॉमनली यूज करते हैं, अब प्रैक्टिकली हम किस चीज को कैसे यूज करते हैं, प्रैक्टिकली हमारा यूटिलाइज होता है हॉर्स पावर, जैसे घर के अंदर हमारा घर में लगा हुआ है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर है, और उसमें आप क्या कहते हो कि ये 1 HP का है या 1/2 HP का है, 1 HP और 1/2 HP जो हमने वर्ड यूज किया, ये चीजें आपको उसके पावर को बताता है, और ये प्रैक्टिकल यूनिट हो गया,
क्या चीज है, प्रैक्टिकली कॉमर्शियली हम इसको यूटिलाइज करते हैं। और 1 HP दैट इज इक्वल टू द 1 HP होता है 746 वाट। ठीक है, अब आपको आता है बिगर यूनिट, और भी बिगर यूनिट जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। एक तो ट्रांसफार्मर से आपका होता है, तो ट्रांसफार्मर अलग अलग के आपको आते हैं, कहीं पर आपको 1000 किलोवाट का होता है, कोई ये 100 किलोवाट का होता है, तो कोई आपका 80 किलोवाट का होता है, तो वो तो आपका किलोवाट में आ जाएगा। वही पावर स्टेशन से जो सप्लाई है वो आपका होता है इन मेगावाट का मतलब हो गया 1 MW। MW मीन्स 10^6 वाट। तो ये हमारे पास डिफरेंट यूनिट, पावर के डिफरेंट यूनिट आए। अब अनदर टर्म को हम यूज करते हैं, वो है एवरेज पावर। तो देखिए एवरेज पावर किसको कहोगे, एवरेज पावर का मतलब है, अब देखेंगे कोई मशीन है, मशीन आपको हर समय एक ही रेट से वर्क नहीं कर रहा, कभी फास्ट हो रहा है, कभी स्लो हो रहा है, या उसकी जो कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन है, वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में या आप बाइक को ले जा रहे हो, उसके स्पीड आपको अलग अलग हो जाते हैं, चेंज होता है, तो मतलब क्या हो गया, जो आपका वर्क डन है वो भी चेंज होते रहेंगे, जो एनर्जी कंजम्पशन है दैट इज ऑल्सो चेंजेस। इस कंडीशन में हम टोटल वर्क डन, द रेशियो ऑफ ए टोटल वर्क डन टू टोटल टाइम टेकन, तो इसका एवरेज हम निकालेंगे, दैट इज नोन एज ए एवरेज पावर। इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ए एवरेज पावर। क्लियर। अब इस एवरेज पावर को फाइंड आउट करने के बाद आप न्यूमेरिकल्स को भी बना सकते हैं। जैसे अब देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको 2 स्टूडेंट्स के लिए बताया, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो 2 गर्ल्स हैं, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, ठीक है, क्लाइंब अप ए रॉक थ्रो ए हाइट ऑफ 8 मीटर, ठीक है, नेम वन ऑफ द गर्ल्स इज ए एंड अनदर इज बी, ए टेक्स 20 सेकेंड, बी टेक्स 50 सेकेंड। अब इसको कैसे निकालोगे, देखिए अब हम इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जो गिवन को लेते हैं। अब गिवन हमारा क्या है, गिवन में देखिए 2 गर्ल्स है, तो एक ए हो गया, दूसरा क्या हो गया बी, ए और बी को आपने लिखा। अब ए में क्या दिया हुआ है, इसका वेट, अब वेट किसके इक्वल होता है, फोर्स के, वेट कितना किसके इक्वल होता है, फोर्स के, तो फोर्स हमारा कितना है 400 न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन, इक्वल टू 400 न्यूटन। और आपका जो हाइट है वही क्या होता है डिस्टेंस, ये कितना दे रखा है 8 मीटर, ठीक। और टाइम के जी वैल्यू, सॉरी टाइम आपका कितना हो जाएगा, टाइम दिया हुआ है इसमें 20 सेकेंड। अब बी के लिए देखिए, बी में की वो क्या गिवन है, बी में वेट आपको दे रखा है दैट इज एफ इक्वल टू 400 न्यूटन, और जो हाइट है दैट इज इक्वल टू एस इक्वल टू 8 मीटर, और टाइम दे रखा है 50 सेकेंड। अब आपको निकालना है दोनों का अलग अलग पावर निकालेंगे, पावर हमारा देखिए पी इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन में टी, या यहां पर हम एफ इंटू एस ले सकते हैं, हमने आपको फार्मूला भी बताया है एफ इंटू एस अपॉन में टी, एफ इंटू एस अपॉन टी। अब एफ कितना है 400, एस कितना है 8, अपॉन में टाइम कितना है 20, तो आप इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 20 28 160 वाट। ये हमारा पावर निकल गया, ये किसका निकला, ए का निकल गया। बी में देखिए, बी के अंदर आपको पावर इक्वल टू है एफ इंटू एस, सेम फार्मूला लगाएंगे एफ इंटू एस, अब इसको देखिए ये क्या आ गया 400 और इंटू में 8 अपॉन में टाइम, टाइम कितना है 50 सेकेंड, तो 50 से ये करेंगे 8, ये क्या आ जाएगा 64 वाट, यानी
ये तो आ गया 160 वॉट, ये कितना आ गया 64 वॉट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं पावर को। अब यहां क्या लगा, ए में पावर ज्यादा है, बी का पावर कम है, ठीक है, जबकि दोनों के मास इक्वल थे, वेट इक्वल है, वर्क डन जो हाइट है वो सेम है, लेकिन जो डूइंग वर्क है वो डिफरेंट आए। और इससे आप बता सकते हो कि ए इज स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू द बी। ए जो आपका हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रोंगर हो गया, किसके कंपेरिजन में, बी के कंपेरिजन में। क्लियर, एनी डाउट? अब और भी छोटा सा एक आपको न्यूमेरिकल आपकी बुक में दे रखा है, उसी को दिया हुआ है कि लैंप कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन 10 सेकेंड। तो 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम हुए किसने में, 10 सेकेंड में। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या निकालिए, पहले गिवन लिखिए, गिवन आपको क्या है, ई इक्वल टू कितना है 1000 जूल, और टाइम कितना है, दैट इज द 10 सेकेंड। अब आपके पास मैंने दूसरा फार्मूला बताया था, सेकेंड फार्मूले क्या थे, P इक्वल टू E अपॉन में T, इक्वल टू E अपॉन T, E कितना है 1000, ये 1000 लोगे अपॉन में 10, ये क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू द 100 वॉट, पावर हमारा 100 वॉट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो, इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो और न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। मैंने 5 फार्मूले बताए हैं, आप उसमें जो भी गिवन हो उस गिवन को लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला यूज कीजिए और पावर को निकालिए। पावर हो, अगर पावर दे रखा है तो आप उससे एनर्जी निकाल सकते हैं, पावर दे रखा है सो वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स है वेलोसिटी दे रखा है आप पावर निकाल सकते हैं। क्लियर? एक और क्वेश्चन आपको जो आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही है आपको दे रखा है कि एक बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप ए स्टेयरकेस ऑफ 45 स्टेप्स इन 9 सेकेंड। देखिए यहां पर भी आप गिवन को देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, गिवन, गिवन में क्या है, मास, मास क्या दे रखा है बेटा, एम इक्वल टू 50 kg, ये तो इसका मास दे रखे हैं, 50 kg है ये मास हो गए। फिर आपको दे रखा है जी, जी आपका क्या होता है 10 m/s² और हाइट स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस कितने हैं 45 स्टेप्स है और हरेक स्टेप्स का जो हाइट है वो कितना दिया हुआ है, वो 15 cm दिया हुआ है। तो आप क्या लेंगे, इंटू में 15, तो ये आ जाएगा 675 cm। इस सेंटीमीटर को हम किसमें चेंज करेंगे, मीटर, मीटर में चेंज करने के लिए 6.75 m, यानी 1 cm कितने मीटर का होगा, 1/100, तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, जरा क्या आ गया, h आ गया। अब आप देखिए m आ गया, g आ गया, h आ गया, और आपको गिवन क्या है, टाइम 9 सेकेंड, ये टाइम भी दिया हुआ है, क्या निकालना है, पावर। तो P इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी एच अपॉन में टी, एम जी एच इंटू टी, एम कितना हो गया 50, जी कितना है 10, एच इक्वल टू 6.75 अपॉन में टाइम कितना दिया हुआ है 9। अब क्या करेंगे, तो पॉइंट्स को हटाइए, पॉइंट्स को हटाएंगे तो यहां आएगा 100, तो ये दोनों 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब इस 9 से इसको आप डिवाइड करोगे 75 5 जा कितना आ जाएगा 375 वॉट, ये हमारा पावर निकल गया। तो अभी आपने देखा कि हमने आपको 3 फार्मूले को यूज कर लिया, पहले क्वेश्चन में हम एफ इंटू एस अपॉन टी को निकाले थे, ठीक इसी तरह सेकेंड में हमने क्या किया, P इक्वल टू E अपॉन T से निकाले, और थर्ड में हमने क्या निकाला, इसमें आपको MGH दिया हुआ था, तो हमने पावर को निकालने के लिए MGH अपॉन में
टी को यूज किया है, ठीक है। अब इसको देखिए आगे एक और टर्म आता है, वो हमारा एनर्जी का है, ठीक है। एनर्जी के लिए, एनर्जी में हम एसआई यूनिट्स को लेंगे और उसके कॉमर्शियल यूनिट को लेंगे। एनर्जी का क्या लेंगे? एसआई यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट को। एसआई यूनिट एनर्जी का क्या होता है? जूल। एसआई यूनिट होता है जूल। और कॉमर्शियल यूनिट यानी जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, जिसको जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सब है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ये होता है किलोवाट आवर, KWH। अब इस KWH को डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे कि 1000 वाट एफिशिएंस यूज फॉर 1 आवर। अगर इसको हम यूज करते हैं 1 आवर तक, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगा, वर्क डन होगा, वो 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। अब इसका अगर हम रिलेशनशिप निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द एसआई यूनिट और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ ए एनर्जी, इसको फाइंड आउट करना हो तो क्या लिखेंगे? 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 1। देखिए किलोवाट किसके लिए है? ये है आपको पावर के लिए। अब ये एसआई यूनिट में क्या बनेगा? 1000 वाट इनटू टाइम क्या है? और 1 आवर है। 1 आवर को क्या लिख सकते हो? 3600 सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? 3600 सेकेंड। अब इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 × 10⁶ वॉट सेकेंड। अब देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया था कि वॉट है, 1 वॉट किसके इक्वल होता है? 1 वॉट इक्वल टू 3.6 × 10⁶ और वॉट हो गया जूल पर सेकेंड और इंटू में सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल। कितना आ गया? 3.6 × 10⁶ जूल। ये 1 किलोवाट आवर दैट इज इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। तो ये हमारा आता है रिलेशनशिप बिटवीन कॉमर्शियल यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ ए एनर्जी, ठीक है। अब इसको लेकर हम आगे एनर्जी कंजम्पशन को, 1 किलोवाट आवर हमारा कितना होता है? यूनिट के इक्वल होता है, यानी 1 kWh दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये हमें जो बिजली बोर्ड से कंजम्पशन के लिए आता है, घरों में हमारा जो कंजम्पशन होते हैं, घर में क्या है, इतने आप अपीयंस को चलाए, आपके मीटर में रीडिंग आ जाएगा और उस रीडिंग को ही, रीडिंग किस में आता है? यूनिट में आता है, किलोवाट आवर में आता है और उसी यूनिट्स को हम बताते हैं, क्लियर। अब इस क्वेश्चन के बाद आप इस पर बेस्ड भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं और इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप फार्मूला इसी को यूज करेंगे जो हमने E=P×T लिया है। मान लो अगर आपको कॉमर्शियल यूनिट्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, जो कॉमर्शियल यूनिट में आप फाइंड आउट करो, तो पहले आप पावर दिया हुआ है, उस पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे और टाइम को आवर में लोगे, फिर जो आपका आएगा वो क्या, किसमें आएगा? किलोवाट आवर में। और यही किलोवाट आवर क्या है? वो है यूनिट, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर पर डे। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम इफ 1 डे बाय द बल्ब कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम हमको यूनिट में निकालना है। देखिए, अब इसमें सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यहां गिवन जो है उस गिवन को लेंगे और उस गिवन को इसमें कन्वर्ट करेंगे। देखिए गिवन क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है बल्ब, तो बल्ब का 60 वाट है। अब ये 60 वाट क्या चीज हो गया? पावर हो गया। लेकिन ये है एसआई यूनिट, हमको निकालना किसमें? कॉमर्शियल। तो इसको चेंज करेंगे किलोवाट में, तो 60/1000 ये क्या आ जाएगा? ये देखिए 0.06 किलोवाट ये आ गया। और टाइम कितना दिया हुआ है? ये 6 आवर दे रखा है,
सिक्स आवर आपका, ये भी आपको क्या है बिगर यूनिट्स के अंदर है दे रखे। अब इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, पी इंटू में टी, पी इंटू टी, पी कितना है बेटा 0.06 इंटू सिक्स इक्वल टू 0.36 किलो वॉट आवर, और 1 किलो वॉट आवर इसके इक्वल होता है यूनिट के, तो ये हमारा 0.36 यूनिट आ जाएंगे, और ये हमारा वन डे में कंज्यूम एनर्जी को बताता है। इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और इसी से सॉल्व करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट, हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे, कुछ बच्चों को